तो दोस्तों नमस्कार। ये देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये लिए मैंने 4x3 मैट्रिक्स, है ना। चार रो है इसमें, तीन कॉलम है और इसकी रैंक हमें बतानी है। तो देखो भाई, ये मैट्रिक्स में 0, 2, 4, 1, 1, 3, 1, 3, 7, 1, 5, 11 ये एलिमेंट्स हैं। तो जीरो आ रहा है पहले, तो इसका नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट 2 है और इसका नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट 1 है। तो एक्लन फॉर्म से अपोजिट चल रहा है, क्योंकि पहली रो का अगर नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इधर है तो अगला तो इस वाले का पीछे होना चाहिए था ना। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा इन दो रोज़ को। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अलाउड होता है। तो R1 R2 को स्वाइप कर दिया। अब देखो, ये और ये थोड़ा सा एक्लन फॉर्म की तरफ आ गया। इसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट आगे है इस वाले से। तो भाई अब क्या करना है, हमें लास्ट वाली रोज़ को इसको और इसे इन्हें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बनाना होता है अपर ट्रायंगुलर। तो हम लास्ट वाले को सबसे पहले, हमारा मकसद होता है आखिरी रो को जीरो बनाना। कैसे बनेगा, आप दिमाग लगाओ इसमें। ये देखो, ये 1 है, वो 3 है, वो 7 है, उसके ऊपर 0, 2, 4 है। अगर इसको इसको जोड़ोगे आप तो एक रिलेशन मिलेगा इन तीन रोज़ में। देखो, R2, R3 और R4 में क्या रिलेशन मिलेगा। R2 और R3 का जो सम है वही R4 है, दिख रहा होगा। 3, 2, 5, 7, 4, 11 और ये 1 और 0, 1 हो गया, तो 1, 5, 11 बन रहा है। तो यानी इसको पूरा जीरो करने के लिए हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। R4 goes to R4 - R2 + R3। ये आप करके देख लो। 1, 5, 11 ये है, 1, 5 और 11 वो भी बन रहा है ना। तो हमने ये लगाया तो लास्ट वाला तो जीरो हो गया। तो देखो भाई, इसका नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट ये है, इसका ये है, अगले का उससे भी पीछे आना चाहिए। इसका मतलब 1 और 3 की जगह भी हमें जीरो लाना होगा। तो 1 को जीरो करना तो इजी है बहुत। इसको कर दो आप R3 - R1, R3 goes to R3 - R1। तो ये करा तो 1 - 1 0, 3 - 1 2 और ये बन गया 4। ये भी 0 to 4 बन गया, ऊपर भी क्या है 0 to 4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको इसका नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ है, तो अगले वाले का उसके नीचे नहीं होना चाहिए था, उससे इधर होना चाहिए था। तो इसे भी आप जीरो बना दो। R3 goes to R3 - R2 लगा दिया इस वाले मैट्रिक्स में, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। 0 0 0, तो ये बन गया। अब देखो, 1 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0, ये एक्लन फॉर्म में आ गया। कैसे कैसे आ गया भाई, ये है 4x3 मैट्रिक्स। तो इसका अपर ट्रायंगुलर तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बन पाता है, क्योंकि इसकी डायगनल नहीं है, कोई डायगनल नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। तो लेकिन एक्लन फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि पहले का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट आगे है, अगले का उससे पीछे है। अगले में है ही नहीं, अगले में भी नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ 2 हैं, बाकी 2 तो जीरो हो गई। तो रैंक इसकी क्या आ गई, 2। रो मतलब रैंक, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 2 हेयर। तो ऐसे दिमाग लगाना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक्लन फॉर्म के लिए जब जाएँ तो लास्ट वाली रो को जीरो करें, उससे ऊपर वाले को भी जीरो बनाना होता है। उससे ऊपर वाले में मतलब जीरो नीचे सबसे ज़्यादा जीरो बनेंगे लास्ट वाले में, उससे ऊपर कम जीरो बनेंगे, उसके ऊपर और कम जीरो, और सबसे ऊपर वाले में हो सकता है जीरो ना हो, कोई ना, हाँ जीरो नहीं होगा सबसे ऊपर वाले में। तो नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट जो है सबसे टॉप वाले का सबसे आगे होना चाहिए, अगले का नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट उसके पीछे होना चाहिए, अगले वाली रो का उसके भी पीछे और अगली वाली रो का उसके भी पीछे, ऐसे करके ऑर्डर कितना भी हो सकता है। तो लास्ट वाली रो को पूरा जीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो ऑपरेशन आपको ऐसे चूज़ करने हैं, और अगर जीरो टॉप रो में आ रहा है तो नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट जो है अगले वाले की नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट से पीछे हो रहा होगा, तो आपको स्वाइप करना है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ही स्वाइप करा, तो ये सब आपको दिमाग लगाना है। ये लॉजिक टाइप में है कि आपको सोचना है कि मैं कैसे ज़ीरो बनाऊँ। तो एक्लन फॉर्म जहाँ पर आ गई, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इज़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये याद रखना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।